more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. तो कहाँ हम सोच रहे थे कि अब शो के स्ट्राइक के एंड के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और आखिरकार हमारे नील और अवनी मिल ही जाएंगे और साथ ही इन दोनों की जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही आएंगी। लेकिन ऐसा ना होकर अब शो में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से एक बार फिर से शो का माहौल थोड़ा टेंशन से भरा हुआ होने वाला है। जी हाँ, खबरों की माने तो सीरियल में अभी तक आपने विक्टिम कार्ड खेल रही जूही को सिर्फ और सिर्फ वही रूप देखा जो जूही हम सभी को दिखाना चाहती थी। जी हाँ, दरअसल जूही आज तक जो भी कर रही थी, जो भी कह रही थी, जो भी उसने हरकतें की है, वो सब कुछ वही थी जो बाकी वो नील और अवनी के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी और जानबूझकर उस विक्टिम कार्ड को यूज़ भी कर रही थी। जिसके बाद अब एक बार फिर से कुछ ऐसे ट्रैक की शुरुआत होने वाली है जूही को ही लेकर, जिसके बाद कहानी मुड़ जाएगी बहुत ही बुरी तरीके से और एक बार फिर से नील अवनी के सेपरेशन से ही शुरुआत हो जाएगी इस कहानी के ट्रैक की। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि कहानी में जूही के इन चालों का नकाब बहुत ही जल्दी उठने वाला है और साथ ही ये पता चलने वाला है हम सभी को कि दरअसल ये पूरा का पूरा खेल जूही का ही रचा हुआ है और बहुत पहले ही, यानी कि जब दयावंती उसे ऑफर करती है अवनी को वहां से निकालने की और साथ ही नील की जिंदगी में जूही की एंट्री करवाने की, तो तभी से ही जूही दे रही थी दयावंती और गुरु माँ का साथ। जिसके बाद अब हाल फिलहाल में खात्मा तो होने वाला ही है दयावंती और गुरु माँ का, और अब इसी वजह से आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे इन दोनों के खात्मे के बाद, इन दोनों को ही अपना मोहरा हटाने के बाद जूही खेलेगी अपना सबसे बड़ा खेल और पता चल जाएगा कि दरअसल जूही का ही रचा हुआ है ये पूरा का पूरा खेल और जूही ही वो इंसान है जिसका असली खेल चल रहा था अभी तक। जिसके बाद अब कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है ये देखना हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.